प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में इन दिनों बोर्ड परीक्षा चल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा की अंग्रेजी का पेपर होना था, जो शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। चलिए दिखाते हैं पेपर लीक होने की वजह हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। यूपी बोर्ड की परीक्षा बनी मजाक। बलिया में 12वीं का अंग्रेजी का पर्चा लीक। 24 जिलों में रद्द हुई बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड परीक्षाओं की अहमियत उन छात्रों से पूछिए जो दिन रात एक करके अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। जहां एक तरफ बच्चे 2 बजे शुरू होने वाली अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, तभी बलिया में पर्चा लीक होने की खबर सामने आई, जिसके बाद प्रदेश के 24 जिलों में बोर्ड की इंग्लिश की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले में तत्काल एक्शन में आई योगी सरकार ने संज्ञान लेते हुए जांच कर दोषियों पर NSA लगाने का आदेश दे दिया। वहीं ACS गृह अवनीश अवस्थी ने DMSP से मामले की रिपोर्ट तलब करते हुए पेपर लीक मामले में STF को जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप पता चलने दें तभी तो इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको, सब बता दिया जाएगा आपको। थोड़ा मौका दीजिए हमको। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तहान परीक्षा की स्वच्छता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहाँ जहाँ गए थे, ऐसे 24 जिलों में द्वितीय पारी की परीक्षा शासन ने के शीर्ष स्तर से इसको निरस्त किया गया है और बलिया के अतिरिक्त STF को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहाँ से ये लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। वह निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। 24 जिलों में परीक्षा रद्द। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी में कई परीक्षाएं पेपर लीक होने के बाद रद्द हो चुकी हैं। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, फरवरी 2018 में UPPCL परीक्षा, सितंबर 2018 में नलकूप चालक की परीक्षा, अगस्त 2021 में PET परीक्षा और नवंबर 2021 में UPTET का पर्चा लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उधर अब इस मामले में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं इस मामले पर सपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाने साधते हुए कहा है कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूरा नहीं होने देना चाहती। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हुई हैं, जिसके बाद अब परीक्षा लीक होने की खबर आना यूपी बोर्ड के साथ ही प्रशासन पर भी
बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों बार बार किसी भी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आती है? क्यों ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। तो पेपर लीक होने के चलते 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा को 24 जिलों में रद्द कर दिया गया, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है कि आखिर जिन अधिकारियों के हाथ में बच्चों का भविष्य सौंपा गया है उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा कर दी है कि NSA के तहत ऐसे आरोपियों के खिलाफ जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी प्रक्रिया कब तक चलेगी? कब तक डर नहीं आएगा लोगों के अंदर कि सख्त सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है ऐसा गंभीर अपराध करने पर? फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।